जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। बट क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंगल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह से होता है, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री, है ना। और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो ये लिखा हुआ है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और या फिर वाइस वर्सा, इसका 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो जब हमको अभी लास्ट जो सम हमने किया उसमें हमको डिग्रीज में क्वेश्चंस दिए हुए थे, डिग्रीज में वैल्यूज दी हुई थी और वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियंस। बट इस टाइम क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब जो है वो रेडियन में गिवन है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि रेडियन का जो ये साइन है ना वो लगाना ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक रियल नंबर भी है और रेडियन भी है। ये सब पूरा डिटेल आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। तो ये एंगल रेडियन में है और आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1, आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन विल बी 180 अपॉन पाई, गॉट इट। और फिर आपको जो कितना रेडियन दिया हुआ है, ये दिया है 11 अपॉन 16 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 16। नाउ ओपन योर पाई एज 22 अपॉन 7, 7 ऊपर आ जाएगा 11 अपॉन 16, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। नाउ 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18 एंड 0, नाउ इट इज़ 45 एंड इट इज़ 8। नाउ 7 फाइव ज़ा 35, 7 फोर ज़ा 315 अपॉन 8, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया डिग्री, बट ये प्रेजेंटेबल नहीं है। ये क्या डिग्री है, ऐसे नहीं होता है, हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। नाउ 8 थ्री ज़ा 24, गॉट इट। यहाँ कितना रहा 75, 8 नाइन ज़ा 72, कितना रहा 3। सो राइट इट एज 39 होल नंबर 3 अपॉन 8 डिग्री, ठीक, ऐसे लिख लीजिए। नाउ 39 डिग्री, नाउ कन्वर्ट 3 अपॉन 8 डिग्री इंटू मिनट्स, ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 3 अपॉन 8 इंटू 60। अब ये बन जाएगा मिनट, आपको याद होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ठीक है। अभी इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा, 4 टू ज़ार 8 एंड 15 फोर ज़ार 60, तो अभी ये हो गया 39 डिग्री प्लस 45 अपॉन 2 मिनट्स, ओके। अभी आप इसको लिखो 39 डिग्री प्लस 22 एंड अ हाफ मिनट्स, गॉट इट। अब आप क्या करो, 39 डिग्री और 22 मिनट्स, 22 मिनट्स को 39 डिग्री के साथ अटैच कर दो, क्या रह गया, प्लस 1 अपॉन 2, और इसको आप कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। देखो ये डिग्री था ना, डिग्री ये 39 डिग्री तो फुल कंप्लीट, ये 3 अपॉन 8 फ्रैक्शन में है, इसको मैंने सोचा डिग्री की जगह मिनट्स बना लेते हैं, मिनट्स यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 अपॉन 2 आया, डिवाइड किया तो 22 एंड हाफ हो गया, यानी 22 मिनट्स तो पूरे पूरे हो गए। तो 22 मिनट्स को मैंने 39 डिग्री के साथ अटैच कर दिया, अब ये क्या रह गया, हाफ मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर दो सेकेंड्स में, कितना हो गया ये 30, है ना। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स, जस्ट अ मिनट, ये देखिए 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, इजी है। पार्ट नंबर 2, दिस टाइम एंगल इज़ नेगेटिव। ये बताते हुए मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टर्न पर मैंने आपको माइनस वाला जब कन्वर्ट किया था, ये यहाँ पर ही है,
तो मैंने आपसे कहा था इसका पॉजिटिव पोर्शन ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंड में माइनस लगा दीजिएगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लगा कर नहीं दिया था, आप एंड में माइनस ज़रूर लगा लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर एंगल आपका कितना है, इट इज़ माइनस 4 रेडियन, ठीक है। तो टेकिंग पॉजिटिव एंगल, ठीक है, धनात्मक कोण लेने पर, यानी कुल मिलाकर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। साइन क्या करता है, साइन डायरेक्शन बताता है ना, ये एंगल नीचे की तरफ क्लॉकवाइज बना हुआ है, ये बता रहा है कि ये एंगल क्लॉकवाइज बना हुआ है, यानी आपको याद है ना, इस तरफ जब रोटेट होती है ना ये रे, ये वाला एंगल ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव केवल डायरेक्शन बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो 4 ही रहेगा, है ना। तो हम इसको 4 के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में इसको इसका माइनस हम वापस कर देंगे। तो अभी 4 डिग्री लेते हैं, 4 रेडियन, ठीक है। अगेन वही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा हमारा, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, एंड देन 4 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू 4, ठीक। नाउ 2 2s are 4, ये हुआ आपका 11, 14 8s are 112, 2 आया कैरी आया 11, 14 1s are 14 एंड 11 इट इज 25, सो 2520 upon 11, ठीक है, 2520 upon 11, ये क्या हो गया आपका डिग्री, है ना। अब ये डिग्री क्या, ये डिग्री ऐसे थोड़ी होता है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2520 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 2s are 22, हाँ कितना हुआ 3 32, देन अगेन 11 2s are 22, कितना हुआ 10 0, 11 9s are 99, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये तो सिंपल है, कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, तो कंपटीशन चल रही है, तो ये आया 1, है ना। तो अब ये कितना हो गया, 229 होल नंबर 1 upon 11 डिग्री। अब आप क्या करिएगा, 229 डिग्री, और इसको क्या करेंगे हम, 1 upon 11 इंटू 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 229 डिग्री प्लस 60 को भी 11 से हम डिवाइड करेंगे, 11 तो देखो बेटा क्या करने वाला है, ये तो हमको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है ना, असांत दशमलव देने वाला है, लेकिन हम भी लगे रहो मुन्ना भाई, कोशिश तो करें। तो हो गया 5 होल नंबर 5 upon 11 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट तो एटलीस्ट आपको साबुत मिले, है ना, 5 मिनट को इसके साथ अटैच कर दो, किसके साथ, 229 डिग्री के साथ, ठीक है, इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए। अब क्या रह गया, अब आपके पास रह गया 5 upon 11 मिनट्स रह गए, 5 upon 11, अब आप इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके सेकेंड्स, तो 229 डिग्री 5 मिनट्स। अब हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, 300 को आप 11 से डिवाइड करिए। अब हम और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, डेसिमल में लाके इसको अप्रॉक्सीमेट हम आंसर दे देंगे, तो 11 2s are 22, 8 0, 11 7s are 77, 3 डेसिमल आ जाएगा, देन तो इसको हम लिख देंगे 27 मिनट्स लगभग, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली, ये और आगे जाने वाला है, बट वो हाँ छोटा हो गया है, वो 0.2 ऐसे छोटा ही रहेगा, ये ज़्यादा इसको परेशानी नहीं, देखो ना ये 22 किया, 8 0, ये 7 77, फिर 2 7 2 7, तो इसको आप इतना 27 पे छोड़ दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली, तो 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, और फिर हाँ माइनस, इसको माइनस भी दे दीजिए आंसर, माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 इज 5 पाई अपॉन
3, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, तो अभी इसको वापस वही प्रोग्राम थोड़ा सा तेज़ी से कर ले। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पर आप पाई ओपन मत करो, क्यों? क्योंकि पाई से पाई विल गेट कैंसिल्ड। 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 3, पाई से पाई हुआ कैंसिल, 3 ones are 3, 3 6 are 18 एंड योर आंसर इज 300 डिग्री। ओके, सिंपल एकदम। पार्ट नंबर फोर इज 7 पाई अपॉन 6। मेरा वीडियो पॉज करके अभी ने आप खुद भी करें, खुद करें और फिर बाद में देख लें कि भाई करेक्ट हुआ कि नहीं। हालांकि तो ये बच्चों जैसी बात है। डिग्री तो ये हो गया 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6। पाई से पाई कैंसिल, 6 ones are 6, 6 3s are 18 सो योर आंसर इज 210 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 minute थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 second। हाँ, 1 minute में 360 रिवॉल्यूशन लेता है तो 1 second में वो कितना एंगल बनाएगा। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कितने रिवॉल्यूशन लेगा, वो पूछ रहे हैं कितना एंगल बनाएगा। ये देखिए, एक पहिया 1 minute में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, डिग्री नहीं आएगा, 360 परिक्रमण करता है, तो 1 second में कितने रेडियन माप का कोण ये बनाने वाला है। तो अब इसको आप देख लीजिए, ऐसे इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब इंग्लिश हिंदी का है बेटा, मैं एक लैंग्वेज में लिख देती हूँ, एक लैंग्वेज में बोल देती हूँ, ठीक है? चलिए हिंदी में लिख दें या हिंदी में लिख देते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 60 सेकेंड में पहिया घूमता है, या क्या लिखते हैं इसको, परिक्रमण करता है कितनी बार, 360 बार। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लिख ही देते हैं, इन 60 सेकेंड्स व्हील टेक्स हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, 360 रिवॉल्यूशंस, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 60 सेकेंड में पहिया परिक्रमण करता है 360 बार, इन 60 सेकेंड्स व्हील टेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। अब वही मैंने 60 सेकेंड्स क्यों लिखा, उन्होंने हमको दिया था 1 minute, 1 minute में पहिया 360 बार घूमता है, तो 1 second में कितनी बार घूमेगा वो अब मुझे निकालना है, इसलिए मैंने इसको 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब तो 1 second में कितना आ जाएगा, in 1 second व्हील विल टेक हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, 360 upon 60, दैट मीन्स 6 revolutions 1 second में पहिया घूमेगा, 1 second में पहिया घूमेगा 6 बार। ठीक है, 360/60 यानी कि 6 बार। अब मुझे ये बताइए कि इन 1 revolution 1 chakkar लगाने में सेंटर पे कितना एंगल बनता है, बताइए। इन 1 revolution एंगल मेड एट द सेंटर इज 2 pi, याद आया सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 pi। मैं पूरी डिटेल्स आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम हिंदी में क्या लिखेंगे, एक परिक्रमण में केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है, 2 pi डिग्री, 2 pi रेडियन। ठीक है, तो 6 revolution में कितना होगा, 6 into 2 pi, दैट मीन्स 12 pi रेडियंस। समझ में आ गया?
थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में हो जाता है, बट ठीक है, मुझे दोनों लैंग्वेज बेटा लेके चलना है, मेरे पास दोनों लैंग्वेज के बच्चे आते हैं। तो 60 सेकंड्स में पहिया घूमता है 60 बार, इन 60 सेकंड्स व्हील टेक 360 रिवॉल्यूशंस, एक सेकंड में कितना लेगा, 6 लेगा, और एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 2π, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, 12π। अब 6 रिवॉल्यूशन कह लो या 1 सेकंड कह लो, क्योंकि एक सेकंड में 6 बार घूम रहा है ना, तो एक सेकंड करके भी इसको आंसर में वर्ड्स में एंड में लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पर देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करिए। तो आप मुझे बताइए कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन, एंगल की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कि कोण, हिंदी में देखिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ये आपकी एंगल की डेफिनेशन। शॉर्ट में पता है इसको क्या लिख देते हैं, एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये भी चलता है। तो अब मुझे बताइए आपको रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर और आर्क चाप कितना दिया है 22, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये जो एंगल आ गया ना बेटा, ये आया आपका रेडियन में, ठीक है, क्योंकि ये हम सर्कल वाला पोर्शन ले रहे हैं, याद आया ना आर्क अपॉन रेडियस वाला, तो ये हम रेडियन में नाप रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एंगल कितना हो गया, 11/50 रेडियंस, बट दे आर आस्किंग एंगल या आस्किंग द आंसर इन डिग्री मेजर। तो बहुत बड़ी एक बात क्या है इसमें, देखिए ना कैसे होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, एंड 11/50 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/50। गॉट इट, नाउ ओपन द पाई, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7, 11, 2, 0 and 0, 2 ones are 2, 2 nines are 18, 9 sevens are 63/5, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया डिग्री, फिर वही काम करना है आपको। तो ये अब ये कितना हो जाएगा, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 12 whole number 3/5 डिग्री हो जाएगा, है ना, यानी कि 12 डिग्री तो पूरे पूरे, है ना, और प्लस में 3/5 इंटू 60 करने से आ जाएगा मिनट्स, तो हो गया 12 degree + 36 seconds, यानी फाइनल आंसर इज 12 degree 36 seconds, ठीक, क्लियर, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये है ना वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि एक बार अच्छे से सोच लिया जाए, समझ लिया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म भी होने वाली है, सिंपल होता है, बस एक बेसिक्स थोड़े से होते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो वैसे तो कुछ भी नहीं है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए डायमीटर कितना 40, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको देखिए हिंदी में, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो बच्चे गणित को पसंद करते हैं उनको मज़ा आ रहा होगा, और ये मेरे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उनका माइंड चलने लगा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस मेक अ रफ डायग्राम, लेट इट बी अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए, ठीक है, और एक कॉर्ड है बेटा, कॉर्ड कितनी बोल रहे हैं वो, कॉर्ड बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर, जीवा को बोल रहे हैं वो 20, और डायमीटर यानी व्यास को बोल रहे हैं वो 40,
आपको बात समझ में आ रही है? अब इससे कुछ दिख रहा है आपको मेरे बिना बताए? कुछ आ रहा है माइंड में? यस, देखो ये सेंटर, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो बेटा ये क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देखो बना कि नहीं बना, क्या है कि ये सेंटर से ये इसको ज्वाइन किया तो ये रेडियस हुआ ना। अब जब डायमीटर 40 था तो ये रेडियस कितना हुआ? 20, ये भी 20, और कॉर्ड उन्होंने दे रखी है 20, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है? यस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज से क्या होता है? तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। बहुत छोटी बात हो गई, ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब उन्होंने आपसे ये क्या पूछा है? इस आर्क की लेंथ पूछी है। तो इस सेंटर का नाम ओ रख दीजिए, डायमीटर को आप ए बी कह दो, है ना, और इसको आर्क को आप सी डी कह दीजिए। तो आपको आर्क सी डी, ये आर्क सी डी की लेंथ बतानी है, जिसको हम अपने फॉर्मूले में एल कह देते हैं। ठीक है, बट उसके लिए बेटा सेंटर का एंगल शुड बी इन रेडियन। तो 60 डिग्री, अब इसमें प्रैक्टिस कराने की बात नहीं है, मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री हमेशा पाई अपॉन 3 रेडियन होता है। 180 अपॉन 3 इट इज 60। तो ये सेंटर का एंगल मुझे मिल गया, कितना मिल गया मुझे? पाई अपॉन 3 रेडियन। अब ए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, अभी बताया ना, आर अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना? पाई अपॉन 3, और एल वी हैव टू फाइंड, एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 20, सो एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, 22 अपॉन 7 इंटू 3, नथिंग इज गेट कैंसिल्ड, सो इट विल बिकम 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इंटू डेसिमल। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और आपका ये आंसर रेडी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, हियर इज द क्वेश्चन। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मुझे समझ में नहीं आता, जब ये हमको सर्कल के एंगल्स दे रहे हैं, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको रेडियंस में दे देते? ये कौन सी बड़ी डील है जो हमारे लिए छोड़ देते हैं? एनीवेज, चलिए दो सर्कल है, ठीक है, और उनकी जो रेडियस है ना वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो मैंने इस क्वेश्चन को अभी हिंदी में नहीं पढ़ा है, तो मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ दूँ। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, देखिए सर्कल की रेडियस अलग अलग है, दो सर्कल्स हैं, लेकिन जो उनकी जो आर्क्स है ना वो इक्वल हैं। ठीक है, समान लंबाई वाले चाप अपने अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों, तो उनकी त्रिज्याओं का रेशियो ज्ञात कीजिए, रेशियो। ठीक, तो चलिए, एक सर्कल ऐसा है, एक ऐसा है, तो ये एक जो आर्क है ना, ये आर्क, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी, सेंटर ले लिया ओ, हाँ, और यहाँ जो आर्क है इसका नाम रख दिया मैंने सी डी, और सेंटर ले लिया मैंने ओ डैश। तो ये जो आर्क ए बी है ना बेटा, और ये जो आर्क सी डी है, ये इक्वल है, सब बोल रहे हैं। ठीक है, और चलिए, लेकिन ये दूसरे अलग अलग सर्कल की है, अपनी वो टेंथ वाली थ्योरम मत लगा देना कि इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल आर्क्स हो तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है, वो एक ही सर्कल में होती है या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में होती है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये तो रेडियस इनकी डिफरेंट है, रेडियस अलग है, एक की रेडियस समझो आर वन है और एक की रेडियस समझो आर टू है। ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, और इसका जो एंगल है, ये एंगल है 75 डिग्री। बस एक चीज है कि ये जो L है ना, ये सेम है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस। ठीक, व्हाट अबाउट 75 डिग्री? 75 डिग्री का बताइए कितना होगा, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। 75 डिग्री आपको निकालने का मेरे को पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा, चलिए मैं समझा देती हूँ दोबारा से। 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई रेडियन होता है,
है ना। तो 1 degree इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 75 degree इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75 रेडियन। ठीक, तो 5 से कैंसिल किया, 5 1 5 5 5 5 25, 5 2 5 3 15 एंड 5 6 33, 5 15 एंड 12, तो ये आपका आ गया 5 pi upon 12, 5 pi upon 12 रेडियंस। ठीक, तो ये हो गया पाई अपॉन 3 रेडियंस, ये हो गया 5 pi upon 12 रेडियंस। नाउ लेट अस कंपेयर देम, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, तो व्हाट इज थीटा इन फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का थीटा है पाई अपॉन 3, है ना, और एल तो एल है, ये क्या है आर वन। ठीक, तो एल क्या हो गया बेटा, एल एल क्या हो गया, एल हो गया पाई आर वन अपॉन 3। ठीक है, ये कौन से सर्कल की बात हो रही है, ये पहले सर्कल की। सेकंड सर्कल पे आ जाते हैं, सेकंड सर्कल के लिए भी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा इस बार कितना है 5 pi upon 12, एल एल तो सेम है ना इसलिए, और आर क्या हो गया आर टू हो गया, तो फिर एल इज इक्वल टू 5 pi r2 upon 12। गॉट इट और नॉट, ये आर टू ऊपर आ गया, बस एल यही है आर टू ऊपर, यहाँ भी एल यही है आर वन ऊपर, इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू कह दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। ठीक, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, ठीक तुलना करते हैं, दोनों इक्वल है ना, इधर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये भी एल की वैल्यू है, ये भी एल की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू जेड, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू जेड, है ना, तो दोनों एल की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख दिया जाए। पाई आर वन अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 pi r2 upon 12, पाई से पाई हुआ कैंसिल। अब आप क्या करो, आर टू को आर वन के नीचे ले आओ, आर वन अपॉन आर टू, आर टू को आर वन के नीचे ले आओ, दिख रहा है, और इस 3 का क्या करो, 3 को ऊपर ले जाओ, 5 into 3 upon 12, आया समझ में, आर टू को हम आर वन के नीचे ले आए, 3 को हम ऊपर ले गए, 3 1 3 3 4 12, तो आर वन इज टू आर टू इज इक्वल टू 5 is to 4, सो दिस इज द रिलेशन। गॉट इट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। अब पेंडुलम की लेंथ है ना जो, वही तो उसकी रेडियस बनेगी। देखिए पेंडुलम है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब मैं कैसे बताऊँ, ऐसे देख लो, ऐसे 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 घूम रहा है पेंडुलम। ठीक है, तो जो पेंडुलम की लेंथ है, ये जो लेंथ है, यही तो उसकी रेडियस है पेंडुलम की, यही तो रेडियस है, और ये एक वो बना रहा है, सेक्टर बना रहा है ना, तो एक आर्क ले रहा है, एक एंगल ले रहा है, तो फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। एक बार टिप बना रही है 10 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे, ठीक, एक बना रही है 15 थोड़ा दूर तक जा रहा है, एक बार बना रही है 21 और दूर तक, किसी ने बहुत ज़ोर से उसको ऐसे हिला दिया है, तो आपको तीनों केसेस में एंगल इन रेडियंस बताना है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित हैं 10, 15 and 21। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7। रेडियस इन ऑल 3 केसेस इज 75 सेंटीमीटर, रेडियस तो हर केस में सेम। फर्स्ट केस में एल कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो एंगल एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो 10 अपॉन 75, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो
तो ये हो गया 2/15 रेडियन. गॉट इट? बोला ही रेडियन है हमको, डिग्री बोला ही नहीं है, तो 2/15 रेडियन, दैट्स ऑल. सेकेंड में कितनी है, 15 है, तो थीटा इज इक्वल टू 15/75, तो ये हो गया 1/5 रेडियन. क्लियर? थर्ड पार्ट, थर्ड में कितना है, 21/75, ये आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका हो गया 25, तो 7/25 रेडियंस. ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है. ओके, सो आएंगे हम 3.2 पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके. ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद.